किराना स्टोर शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपके एक प्लान की। अगर आप चाहते हैं अपना स्टोर ओपन करना तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कुछ वैरायटी दिखाना चाहूँगा मैं आपको साबुन की। तो साबुन में हम देख सकते हैं जैसे कि डेटॉल है, और उसके बाद लाइफ बॉय है, यहाँ पे नंबर वन साबुन, नीमा साबुन, और यहाँ पे हम देखेंगे ब्रांडेड आइटम में तो डव साबुन है, ब्रांडेड साबुन कहलाती है, जो कि बहुत अच्छी साबुन होती है, थोड़ा कॉस्टली भी होती है। उसके बाद देखेंगे जैसे पियर्स वहाँ पर रखी हुई है, पियर्स साबुन भी काफ़ी अच्छी शॉप होती है जो आपके शॉप में रहने चाहिए। नहाने की साबुन में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे साबुन है, संतूर है, नंबर वन, लाइफ बॉय, डेटॉल, नीमा। उसके बाद कपड़ों में भी घड़ी हो गई, घड़ी के बाद सर्फ एक्सल है, व्हील, ये सब साबुन आपके पास रहनी चाहिए, है ना। ये तो हो गया साबुन की वैरायटी में आपने देखा। तो ये साबुन आइटम आप अपने यहाँ रखें जो कि आप अपने शॉप में रख के कमा सकते हैं अच्छी खासी प्रॉफिट। ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता पर ठीक है, रहना चाहिए, है ना। एक ग्रॉसरी आइटम में भी आता है, डेली यूज़ में भी आता है, तो ये ज़रूर आपके शॉप में रहनी चाहिए जो मैंने वैरायटी बताई। अब चलते हैं बिस्किट की तरफ। बिस्किट की बात करेंगे तो काफ़ी ब्रांडेड बिस्किट भी आती हैं, नॉन ब्रांडेड आती हैं। जैसे हम यहाँ पे पार्ले जी एक अच्छा ब्रांड है जो कि ऑल ओवर इंडिया में चलता है। पार्ले जी काफ़ी पुरानी कंपनी है ना। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ओरियो का बिस्किट है, ये थोड़ा ब्रांडेड होता है, ये 10 रुपये का इतना बड़ा पैकेट है छोटा सा। और यहीं पे हम पार्ले जी की बात करेंगे तो पार्ले जी का 10 रुपये का पड़ा इतना बड़ा पैकेट, तो काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक कंपनी रखी फ्रूट बाइट बिस्किट है, सुंदर कंपनी की फ्रूट बाइट है ना, 10 रुपये की ये पैकेट है, पर उतनी खास तो नहीं होती है ना, 10 के हिसाब से काफ़ी अच्छी बिस्किट है ये भी, तो यहाँ पे आपने देखा। और इसके बाद और ब्रांडेड में जाएंगे तो जैसे बटर बेक है, ये बहुत ही अच्छी लग्जरी बिस्किट है, बहुत ही टेस्टी रहती है, 20 रुपये का पैकेट है ये, थोड़ा महंगी रहती है। इसमें क्रीम वाली में देखेंगे तो ये क्रीम वाला बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर में, ये भी आपके शॉप में रहे। क्रैक जैक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रैक जैक एक नमक वाली बिस्किट है, 50-50 भी आती है। ऐसी सब बिस्किट अपने शॉप में रखें तो आपकी अच्छी वेरायटी बनेगी बिस्किट में। शैम्पू का वेरायटी आप देख सकते हैं, जैसे डब साबुन है तो ये 5 रुपये का है, यहाँ पर कंडीशनर शैम्पू दोनों चीज़ें हैं, और क्लिनिक प्लस भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लिनिक प्लस के बाद हेड एंड शोल्डर यहाँ पे है, पतंजलि का भी शैम्पू है, सनसिल्क शैम्पू भी अवेलेबल है, डव का शैम्पू अवेलेबल है। तो ये सब शैम्पू के ब्रांड अपने शॉप में रखें जो डेली मर्रा की चीज़ें कहलाती हैं। कुरकुरे की बात करेंगे तो यहाँ पे हल्के फुल्के टकाटक, सेव पूरी लोकल आइटम है, यहाँ पे हल्दीराम के मिक्सचर, पंजाबी तड़का, भुजिया सेव, आलू भुजिया, मिक्सचर, पंजाबी तड़का, रतलामी सेव, ये सब आप अपनी शॉप में रखें जो डेली बिकते हैं। और एक चकना आइटम भी कह सकते हैं हम ये टेस्टी में, तो ये बिकते हैं, पाउच रहते हैं, इनको भी अपने शॉप में बाकायदा तरीके से रख सकते हैं। और पाउच आइटम में भी काफ़ी पाउच वगैरह आते हैं जिनको अपने शॉप में रखें आप। इसके बाद चलते हैं अगरबत्ती ब्रांड में। अगरबत्ती में आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये सोना चांदी अगरबत्ती है जो ब्रांडेड है और महंगी है, और सेंटेड अगरबत्ती कहलाती है, एक सेंटेड अगरबत्ती है। और डेली सस्ती बिकने वाली पवित्र पूजा अगरबत्ती सस्ती रहती है, 10 रुपये का पैकेट है, ज़्यादा काड़ी भी इसमें रहती हैं। तो अलग अलग ब्रांड की आप अगरबत्तियाँ भी अपने शॉप में रखें जिससे ये आपकी एक वैरायटी बनती रहेगी। चाय पत्ती की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चाय पत्ती है गुडरिक का, उसके बाद रेड लेवल की भी चाय आती हैं, और ये एक अलग कंपनी है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेड लेवल, हाँ। तो ऐसी चाय अपने पास रखें, ब्रू की भी चाय आती है तो ये भी अपने पास रख सकते हैं। दूध पाउडर की बात करें तो ये पाउडर आप रख सकते हैं जिस कंपनी का नाम है सागर, और ये सागर कंपनी का जो शेक मिल्क पाउडर है, दूध पाउडर, ये भी अपने पास रखें। रसगुल्ले का पैकेट यहाँ पे सीमा पाउडर है जिससे हम रसगुल्ला बनाते हैं, तो ये पैकेट भी अपने पास रखें। तो ज़्यादातर आप अपने शॉप में देख सकते हैं कि जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे टोस हो गई, टोस अलग अलग ब्रांड की है, ऑयल हो गया, तेल, तो ये सब चीज़ें अपने शॉप में रखें, निरमा है ना, तो ये सब रखें अपने शॉप में बिल्कुल। ज़्यादातर ये सेल होते हैं और अपनी बिक्रिया बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हमने पहले भी शॉप का वीडियो बना चुका है, देख सकते हैं आप, थोड़ा शॉप बिखरी पड़ी है, काफ़ी दिन से सेटअप अच्छे से जमाया नहीं है, तो हो सकता है आपको बिखरी लगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से हमने जमाया है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, और ऐसी शॉप चलाएं अपनी, अपनी दुकान को अच्छी तरीके से जमाएं जिससे आपकी बिक्री जो है बढ़े
और ऐसे टिप्स लेते रहें हमारे चैनल से जुड़ के। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप क्वेश्चन डाल दिया करिए, वीडियो हम उसका बना के आपके लिए ला देंगे। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।